गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वी आर डूइंग 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री एंड वी आर डूइंग 11th चैप्टर पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन। इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग अबाउट जापान एंड चाइना। सो फर्स्टली टुडे वी विल डू इंट्रोडक्शन ऑफ चाइना। चाइना इज ए वास्ट कॉन्टिनेंट कंट्री स्पैन मैनी क्लाइमेट जोन। चाइना जो है बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सारी क्लाइमेट जोन्स इसमें से होके जाती है। थ्री मेजर रिवर, यहाँ पे तीन मेजर रिवर है। येलो रिवर जिसे होंग ही बोला जाता है एंड यंगसी रिवर जिसे चांग जियांग, द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यंगसी रिवर जो है वर्ल्ड की तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर है। थर्ड है पर्ल रिवर। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज माउंटेनियस, मतलब चाइना की लार्ज पार्ट पे माउंटेन है, मतलब माउंटेन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डोमिनेंट, यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, प्रमुख ग्रुप कौन है, मतलब किन लोगों का यहाँ पे राज था, एथनिक ग्रुप था जिसे कि हान बोला जाता है। मेजर लैंग्वेज यहाँ पे चाइनीज है जिसे पोर्तुगीज भी बोलते हैं। मैनी अदर नेशनलिस्ट, मतलब मेजर ग्रुप तो क्या था, हान ग्रुप है, और भी नेशनलिस्ट लोग यहाँ पे रहते हैं जिन्हें कि उघीर, हुई, मानचून, तिब्बतीन बोला जाता है। अदर डायलैक्ट, यहाँ पर मेजर लैंग्वेज तो चाइनीज बोली जाती है बट कुछ अदर डायलैक्ट्स भी है, कुछ अलग भाषाएं, उपभाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि कैंटोनीज एंड शंघाईज, मतलब कि ये जो है उपभाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती हैं। चाइनीज़ फूड की हम बात करते हैं तो फोर टाइप का यहाँ पर मेजर फूड पाया जाता है कि डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। साउथ में जो है बेस्ट नोन साउथ सदरन एंड कैंटोनी क्यूजिन। क्यूजिन क्या होती है, खाने वाली चीज़ें। कहते जो बेस्ट है यहाँ पे खाने वाली चीज़ें साउथ की तरफ, वो कौन सी है, डिमसम एंड डम्पलिंग। डिमसम और डम्पलिंग जैसे आज हम मोमोज वगैरह खाते हैं उस तरह की होती है। एंड एसोर्टमेंट ऑफ पेस्ट्रीज, जो मतलब कि हम गुजिया वगैरह खाते हैं ना, हम स्वीट डिश में एक गुजिया खाते हैं, वो उस तरह की एक डिश है। नॉर्थ में, चाइना के नॉर्थ में क्या है, वीट इज अ स्टेपल फूड, वीट बहुत ज़्यादा खा जाता है। एंड इसमें बताया गया कि राइस और वीट लोग ज़्यादा खाते हैं। एंड जो बुद्धिस्ट मोंग थे एंशियंट टाइम में सिल्क रूट से होकर यहाँ पर आए थे, मतलब कि जो सिल्क रूट से होके यहाँ पे आए थे, वो कौन सी स्पाइसेस अपने साथ लेके आए थे, शेचुआन स्पाइसेस वो अपने साथ लेकर आए। पोर्तुगीज यहाँ पे चिलीज लेके आए, जिनका इनकी क्यूजिन्स जो थी फेरी हो गई, मतलब जो खाने वाली चीज़ें थी उनमें तीखापन अब आ गया। पहले जो इनकी खाने वाली चीज़ें थी मतलब नीरस थी और बिल्कुल फिक्की फिक्की सी होती थी, लेकिन जब पुर्तगीज लोग यहाँ पे चिलीज मिर्ची लेके आए तो इनके जो खाने वाली चीज़ें हैं तीखी हो जाती है। नाउ वी विल डू अबाउट द जापान। जापान के स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड जैसे कि हमने मैप में किया था, नाउ अगेन वी आर सीइंग ऑन मैप। सीन दिस मैप, जो चाइना है वेरी वास्ट कंट्री है, जो जापान के स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड, मतलब यहाँ पे आइलैंड्स की एक पट्टी है जिसे कि जापान बोला जाता है। फोर लार्जेस्ट जो आइलैंड्स हैं उनके नाम है होन्सू, कोएशू, शिकोकू एंड होकोइडो। माउंटेन एरिया यहाँ पे 15% जो लैंड है माउंटेन से ढकी हुई है। जापान कहाँ पे है, इट इज़ इन अ वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन, मीन्स कि यहाँ जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। पॉपुलेशन यहाँ पे लार्जली जापानीज लोग रहते हैं, स्मॉल जो पॉपुलेशन है उनकी इनू और कोरियंस पीपल है, मतलब ज़्यादा लोग जापानी हैं, बाकी कुछ लोग इनू और कोरियन पीपल्स भी यहाँ पे रहते हैं। एनिमल रियरिंग इज़ वेरी लैक, ये लोग एनिमल्स कम पालते हैं। स्टेपल फूड क्या है इनका, राइस एंड फिश, जो इनकी लोग ज़्यादा क्या खाते हैं, राइस और फिश, जो कि फिश जो इनको प्रोटीन भी देती है। रॉ फिश को ये बोलते हैं सशिमी और सुशी, जो कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। सो स्टूडेंट, वी इन दिस वीडियो वी हैव रेड अबाउट द चाइना एंड जापान, व्हाट इज़ फेवरेट इन चाइना एंड जापान। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।